नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। बॉलीवुड धमाल, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। खबर केआरके से जुड़ी आ रही है। केआरके ने एक तस्वीर शेयर की है। बड़े मजाकिया लहजे में उन्होंने इसे ट्विटर पर शेयर किया है। शेयर की गई तस्वीर को भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि केआरके किस तरीके से ट्रोल करते हुए सेलिब्स को नजर आ रहे हैं। कमाल राशिद खान उर्फ केआरके बॉलीवुड स्टार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ऐसे को सितारा हो जिसको केआरके ने छोड़ा हो। वो सिर्फ बॉलीवुड को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते हैं, बल्कि कई स्टार्स की खिंचाई भी करते हुए दिखते हैं। इस समय बॉलीवुड की एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। यहां तक कि कई मेगा बजट की फिल्मों ने कमाई भी बड़ी मुश्किल से कर पाई। इसके बाद केआरके को एक और मौका मिल गया, जिसके बाद बखूबी उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और आज केआरके ने बॉलीवुड के कब्रिस्तान की तस्वीर शेयर की है। करण से लेकर आमिर खान, शाहरुख, सभी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिनका उन्होंने मजाक उड़ाया है। आप हमारी स्क्रीन पर केआरके का वो देख सकते हैं जिनमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है बॉलीवुड का कब्रिस्तान। किस तरीके से उन्होंने शेयर किया है बॉलीवुड के कब्रिस्तान की फोटो, जिसमें की कब्रें नजर आ रही हैं और साथ ही साथ वो फिल्में नजर आ रही हैं जो फ्लॉप रही, इसमें चाहे अनन्या की लाइगर हो या फिर मिट्ठू शाबाश मिट्ठू हो तापसी पन्नू की, तो कई मूवीज़ को लेकर ट्रोल करते हुए केआरके नज़र आए। केआरके की बात की जाए तो केआरके अपने विवादों की वजह से, विवादित बयानों की वजह से, ट्वीट्स की वजह से हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। बीच में खबर आई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी का सरनेम रख लिया है। अब जो है लगातार कभी वो कंगना पर निशाना साधते हैं, कभी वो रणवीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पर निशाना साधते हैं, तो कभी वो लाइगर पर निशाना साधते हैं। हमेशा से ही केआरके कई फिल्मों को लेकर क्रिटिक की भूमिका है वो निभाते हुए नजर आते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हर फिल्म के रिव्यू देते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। इसमें उन और अब जो हालिया फोटो सामने आई जिसमें उन्होंने बॉलीवुड का कब्रिस्तान शेयर किया, कि इस मजाकिया लहजे में सोशल मीडिया पर इस फोटो के जरिए उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स की किरकिरी की है। आप हमारी स्क्रीन पर भी वो स्टिल देख सकते हैं, वो तस्वीर देख सकते हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लोगों तक शेयर की है। अनन्या की मूवी लाइगर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ गई है। दरअसल ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज ज़रूर हुई, लेकिन कमाई के मामले में एकदम पिछड़ती हुई दिख रही है। लाइगर 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया रिव्यू के बाद देखने को मिल रहा है कि विजय देवगौड़ा की ये फिल्म दर्शकों के पैमाने पर नहीं खरी उतर पाई। कमाई के मामले में लाइगर पीछे चल रही है। इसके साथ ही फैंस सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोग विजय और अनन्या के साथ ही करण जौहर का भी जमकर मजाक बना रहे हैं, जिसे देखने के बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। फिल्म लाइगर करण जौहर की ओर से समर्थित है। ऐसे में यूजर फिल्म का बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही करण जौहर पर भी मजेदार मीम्स बना रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर वो बहुत सारे मीम्स देख सकते हैं जो एक के बाद एक कई यूजर्स ने अपने ट्विटर के जरिए भड़ास निकालते हुए शेयर किए हैं। ये मीम्स वायरल भी हो रहे हैं। लोग बड़े मजाकिया लहजे में लाइगर की किरकिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइगर जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है, ये फिल्म जैसे रिलीज हुई थी और जिस तरीके से इसके प्रमोशन में तैयारियां जुटी थी, लगातार मेकरों ने भर भर के फिल्म में पैसा लगाया था, वहीं अब जो है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है उससे मेकर्स काफी निराश है। पैसा लगाने के बावजूद भी जो उम्मीद की गई थी फिल्म से, उस उम्मीद पर फिल्म खरी नहीं उतर पाई है। लोगों के बीच तो पहुंची, लेकिन कमाई के मामले में एकदम फिसड्डी साबित हो रही है। हमारी स्क्रीन पर वो मीम देख सकते हैं जो आपको बताएंगे कि फिल्म को लेकर लोगों ने क्या व्यू दिए हैं अपने। आप हमारी स्क्रीन पर एक के बाद एक ट्रोलर्स के देख सकते हैं किस तरीके से ट्रोलर्स जो है मीम्स बना रहे हैं और लगातार इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बात की जाए तो लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी, उसके बाद रक्षाबंधन, इन फिल्मों का हाल आप लोग देख चुके हैं, और फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने की मांग
तेज हो गई थी, और अब जो है ये फिल्म यानी कि लाइगर, लाइगर में आपको विजय और अनन्या पांडे की भूमिका में नजर आ रहे हैं, मेन कैरेक्टर में दोनों नजर आ रहे हैं। इन्होंने शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा, सार्वजनिक स्थल नहीं छोड़ा जहां ये प्रमोशन के लिए इनकी टीम ना पहुंची हो। लेकिन बावजूद इसके कहां कमी रह गई, जिस वजह से ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर आते ही पिटने का शिकार हो गई, फिल्म एकदम सुस्त पड़ गई और जो उम्मीद मेकर्स ने लगाई थी वो उम्मीद पर फिल्म खरी नहीं उतर पाई। बात की जाए फिल्म को लेकर तो पूरी जगन्नाथ ने लाइगर से सुपरस्टार विजय देवगौड़ा में, तो वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे साउथ में अपने करियर की शुरुआत करती हुई नजर आ रही हैं। जब फिल्म रिलीज हो गई है तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसको लेकर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दर्शकों को फिल्म की कहानी के साथ विजय अनन्या की जोड़ी खास पसंद नहीं आई, जिस वजह से लोग उनका मजाक बना रहे हैं। लाइगर में विजय को फाइटर के रूप में दिखाया गया, जबकि उनके अपोजिट जाने माने बॉक्सर माइक टायसन भी नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, समर्पण की परिभाषा, लाइगर में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए माइक टायसन 20 से अधिक वर्षों के लिए एक पेशेवर मुक्केबाज बने और कई विश्व चैंपियनशिप खिताब भी जीते। इसके साथ ही यूजर ने हंसी वाली इमोजी पोस्ट की है, तो किस तरीके से लगातार जो है इस मूवी को आलोचनाएं मिल रही हैं, लगातार लोग इस मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र ये मूवी बन चुकी है, और साथ ही साथ करण जौहर का भी मजाक इसको लेकर बनाया जा रहा है। करण जौहर के भी मीम्स आप देख सकते हैं, एक तरफ अनन्या तो दूसरी तरफ करण का फोटो हमारी स्क्रीन पर, वो देख सकते हैं किस तरीके से जो है ऑडियंस के दिल में इस फिल्म को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप देख सकते हैं। ऑडियंस की व्यूज़ देख सकते हैं आप कि उनकी इस फिल्म को लेकर क्या टिप्पणी है, और सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस फिल्म की ज़बरदस्त किरकिरी हो रही है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी इन दिनों एक नए अंदाज और अवतार में नजर आई, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, और जिसने भी अब तक इसे देखा वो अपना कमेंट देने से रोक नहीं पाया। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। बीते दिनों कानूनी पचड़ों में फंसी सपना चौधरी हमेशा से ही अपने बिंदास अंदाज और जिंदगी के लिए जी रही हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सपना आए दिन फैंस के लिए अपने वीडियोज और पोस्ट शेयर करती रहती है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट किया है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए गए शेयर किए वीडियो में सपना हिंदी मीडियम फिल्म का डायलॉग बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस डायलॉग को उन्होंने अपने अलग अंदाज में रिक्रिएट किया है। वीडियो में सपना कहती है, हम खानदानी गरीब हैं, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ते गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब हुए फिर अमीर और फिर गरीब, हम शुद्ध गरीब हैं। इस मज़ेदार वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, हम गरीब हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन सीन को उन्होंने वीडियो में लिखा कि जब कोई उधार का पैसा मांगे। कुछ देर पहले किए गए शेयर इस वीडियो पर फैंस अपनी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे। थोड़ी देर में इस वीडियो को 12,000 से भी ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, साथ ही फैंस लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं। बात की जाए सपना चौधरी को लेकर, तो इससे पहले वो कई तरह की मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दी। दरअसल लखनऊ में सपना चौधरी का एक इवेंट आयोजित किया गया, इसके टिकट 300 रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचे गए थे। शो में काफ़ी देर तक जब सपना वो नहीं पहुंची तो लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने मेकर से अपने टिकट वापस मांगने शुरू किए, जो कि उन्होंने वापस नहीं किए, जिसके बाद आयोजकों ने सपना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी मामले में कोर्ट में नपेश होने की वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। तो किस तरीके से सपना बीते दिनों कुछ समय से कानूनी पचड़ों में फंसती जा रही थी, जिसमें कि उनके शो में ना पहुंचने को लेकर जो पूरा हंगामा उस समय खड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला कोर्ट तक जा पहुँचा, जहाँ पर कोर्ट में सपना पेश नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्हें गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। फिलहाल सपना मुश्किलों को पार करते हुए
फिर भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करती हैं। और हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टा पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो में वो हिंदी मीडियम फिल्म के डायलॉग बोलती हुई नजर आ रही है। हिंदी मीडियम मूवी की अगर बात की जाए तो इसमें इरफान खान नजर आए थे और साथ ही साथ उनकी को स्टार, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये फिल्म थी जो कॉमेडी के साथ साथ बहुत सोशल मैसेज देती हुई भी नज़र आई थी। सोशल शिक्षा के अधिकार को लेकर और गरीब बच्चों के लेकर को लेकर मैसेज फिल्म देती हुई नज़र आई थी हिंदी मीडियम। साथ ही साथ भाषा को लेकर भी, एक पर्टिकुलर भाषा को लेकर भी ये फिल्म संदेश देती हुई नज़र आ रही थी कि किस तरीके से हम कुछ भाषा को, कुछ लैंग्वेज को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं, जिस वजह से बहुत लोग अपना अपमान भी समझते हैं और उन्हें समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। एक भाषा को ना सीखने की वजह से, एक भाषा ना आने की वजह से उन्हें अक्सर तिरस्कार झेलना पड़ता है समाज में। और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को फिल्म में अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से गरीब और अमीर का भेद दिखाया गया है फिल्म में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इरफान खान भूमिका में काफ़ी ढलते हुए नज़र आए थे और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी, अपनी कॉमेडी के लिए साथ ही साथ अपने उन अभिनेताओं के एक्टिंग की वजह से, अभिनय की वजह से भी बहुत फेमस हुई थी। और उसी फिल्म का एक प्यारा सा डायलॉग जो उन्होंने बोला अपने अंदाज में, इस डायलॉग को सपना चौधरी ने रिक्रिएट किया है, जिसके बाद लगातार जो है इस वीडियो पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिल रहे हैं। 12,000 से भी ज़्यादा इस वीडियो को लोग लाइक कर चुके हैं और वहीं इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की भरमार है। लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स सपना चौधरी को देते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अमीषा और सलमान की एक फ़ोटो नज़र आ रही है, जिसको सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी वो फ़ोटो देख सकते हैं जो तेज़ी से वायरल हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल पिछले 3 हफ्तों से फैंस को लगातार कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने एक सीरीज चलाई है, वो हर वीकेंड पर थ्रोबैक तस्वीरें शेयर करेंगी। इन थ्रोबैक तस्वीर में आज उन्होंने सुपरस्टार सेलिब्स उनके साथ हंसी मजाक और मस्ती करते दिखते हैं। इन थ्रोबैक तस्वीरों के साथ वो इससे जुड़े किस्से और इवेंट भी बताती है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अमीषा ने सलमान खान के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वो सलमान खान के साथ परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। अमीषा पटेल को एथलीट आउटफिट में देखा जा सकता है, जबकि सलमान खान रेड पैंट और ब्लैक एंड रेड जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सॉन्ग पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों काफ़ी यंग दिख रहे हैं। अमीषा ने फैंस को इस तस्वीर के बारे में बताया, उन्होंने लिखा कि सलमान खान और मैं, मेरा पहला वर्ल्ड टूर, ये न्यूयॉर्क में हमारी परफॉर्मेंस थी। अमीषा इस तस्वीर में मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए आगे लिखा कि सुपर कूल सलमान खान ने सुपर कूल नए ट्रेंडिंग सेटिंग हेयर लुक किया है। टूर के एंड ब्लाइंड स्टिक्स और रॉक स्टार स्पाइक्स के साथ हमने 50 दिन तक नॉनस्टॉप यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का दौरा किया। थकाऊ था लेकिन जीवन जीने वाला था। क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस थी। तो किस तरीके से एक कनाडा और USA के उन्होंने फ़ोटो शेयर किए हैं, जिसमें कि एक परफॉर्मेंस के बीच की फ़ोटो है, जो कि काफ़ी समय पहले की फ़ोटो है, जिसमें कि दोनों कहीं पर परफॉर्मेंस करने गए थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर जबकि जो फ़ोटो हमारी स्क्रीन पर दिख रही है वो न्यूयॉर्क में हुई परफॉर्मेंस की, जिसमें अमीषा और सलमान दोनों मौजूद थे। फिर उससे पहले उन्होंने शाहरुख के साथ भी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कि अमीषा ने पिछले हफ्ते शाहरुख और गौरी खान के साथ एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की। आप हमारी स्क्रीन पर वो फ़ोटो देख सकते। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वो और शाहरुख एक खास इवेंट में स्पेशल गेस्ट बन गए थे। इस दौरान उनके साथ गौरी खान भी थी। बताया गया कि शाहरुख काफी हैंडसम दिख रहे हैं और गौरी खान काफी स्टनिंग। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ वाली भी उन्होंने कई सारी फोटो शेयर की है। तो इन दिनों जो है पुरानी यादों को फिर से ताजा करती हुई अमीषा पटेल नजर आ रही है और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जाते ही तहलका मचा रही हैं। लोग लगातार इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं, ये फोटो लगातार तेजी से वायरल हो रही है।
बिपाशा बसु इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं और इसी के साथ ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पर प्यारा सा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को बिपाशा एंजॉय कर रही है। उनके पति करण ग्रोवर जल्द ही पापा बनने को लेकर बेहद एक्साइटेड है। बिपाशा ने कुछ देर पहले अपने इंस्टा अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बिपाशा अपने बेबी बब को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में वो हरे कलर के आउटफिट में नजर आ रही, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने नो मेकअप लुक दिया है। वीडियो में देख सकते हैं कि वो बेड पर आराम कर रही है। बिपाशा बसु ने इस वीडियो के बैकग्राउंड में मोमेंट्स लाइक दिस सॉन्ग को अटैच किया है। इसमें वो बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए गूफी फैंस एक्सप्रेशन दे रही हैं। उन्होंने जैसे ही इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया, उनके फैंस और करीबी दोस्तों ने इस पोस्ट पर अपने कमेंट शुरू कर दिए। बिग बॉस की फेम आरती सिंह ने लिखा, बेबी कमिंग, जय माता दी। कमेंट में बिपाशा ने भी जय माता दी लिखा। बिपाशा बसु ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दिल वाला इमोजी कैप्शन में शामिल किया। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग के साथ ममा टू बी लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, ग्रेटफुल और ब्लेस्ड लिखा। बिपाशा के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे और एक्ट्रेस को और उनके होने वाले बेबी पर जमकर प्यार बरसा रहे। कुछ दिन पहले करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बसु के नाम बधाई संदेश लिखा और बताया कि उन्हें कितनी खुशी है जब उन्हें पता चला कि बिपाशा प्रेग्नेंट है। उन्होंने लिखा कि ये कई भावनाओं का एक संयोजन है, सभी नए लेकिन किसी तरह परिचित नहीं, जैसे मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन इससे भी अधिक मैंने इसे अपने में महसूस किया है। सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत सपना, जैसे लगभग मेरे डीएनए में समाया हुआ है। बिपाशा बसु शादी के 6 साल बाद मां बनने वाली है। उन्होंने 16 अगस्त को अपने इंस्टा पर पोस्ट के जरिए अपने फैंस को ये खुशखबरी शेयर की थी। उन्होंने लिखा कि एक नया समय, नया चरण, नई रोशनी हमारे जीवन के चश्मे में एक और अनूठी छाया जोड़ती है। हमें पहले की तुलना में थोड़ा अधिक संपूर्ण बनना है। हम इस जीवन को व्यक्तिगत रूप से शुरू किया है और फिर हम एक दूसरे से मिले और तब से हम दो थे। किस तरीके से बिपाशा बसु जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती हुई नज़र आ रही हैं और काफ़ी खुश होते हुए। और इस पर जो बिग बॉस की फेम है, फेमस सेलिब्रिटी है आरती सिंह को आप उनके झगड़ों की वजह से शहनाज गिल के साथ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ देख सकते थे। उनकी बॉन्डिंग सिद्धार्थ और शहनाज दोनों से काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने इस पर प्यारा सा कमेंट किया है और कमेंट में लिखा है, जय माता दी। तो किस तरीके से लगातार लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और बिपाशा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सब एक्साइटेड हैं और लगातार इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं जारी हैं। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।